नमस्ते दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। कल किसी ने एक बड़ा प्यारा सा ट्वीट किया था कि मोदी जी ने ना तो खुद होली खेली और ना कांग्रेस को खेलने दी, रंग में भंग पड़ गया। यानी मध्य प्रदेश में 15 वर्ष बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस का 15 महीने में ही बंटादार होता दिख रहा है। अब देखना यह है क्या मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी राजनीति इसी रंग से चलेगी या उसका रंग यहाँ अलग होगा, क्योंकि राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस के भीतर बगावती सुर उठने लगे हैं। अब सचिन पायलट के समर्थक खुलकर अशोक गहलोत जी के खिलाफ बोलने लगे हैं। इसी का नतीजा था कि पिछले लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। अगर भाजपा इसी रंग से राजस्थान में भी सफल रही तो ये दो राज्य हमेशा के लिए कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। यानी भारतीय राजनीति में एक बड़ी दिलचस्प कहावत है कि यहाँ न कोई स्थायी दोस्त होता और न कोई स्थायी दुश्मन। राजनीतिक लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप के गुब्बारे आए दिन फेंकते रहते हैं। वैसे तो होली पर एक बड़ा प्यारा सा जुमला है कि बुरा ना मानो होली है, बाकी कोई बुरा मान भी जाए तो कर क्या सकता है। कल होली में मौसम का मिजाज क्या बदला कि देखते ही देखते मध्य प्रदेश की राजनीति में भी रंग बदल गया। सिंधिया भगवा हो गए और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार बेरंग होकर डोल गई। हालांकि राजनीति में रंगों का घालमेल चलता रहता है, कोई आज काला है तो कल सफ़ेद भी हो सकता है। राजनीति में होली खेलने के लिए किसी पंचांग की जरूरत नहीं होती, जब चाहो होली मना लो। अब इस होली पर सिंधिया का भाजपा में आना भले ही लोगों को बड़ी खबर लग रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर खतरा उसी दिन मंडराने लगा था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया धारा 370 को हटाने के समर्थन में आए थे। सिंधिया ने 6 अगस्त की शाम 7:13 पर एक ट्वीट किया था कि कांग्रेस को देशभक्ति सिखाते हुए लिखा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम का समर्थन करता हूं। भारत देश में उनके पूर्ण रूप से एकीकरण के पक्ष में फैसला राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है और मैं इसका समर्थन करता हूं। हालांकि इससे पहले भी 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई तो उसमें सिंधिया का ही सबसे अहम योगदान था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस चुनाव में असर को समझना हो तो ऐसे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान में राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के बजाय सिंधिया के विरोध को हवा दी थी। भारतीय जनता पार्टी का उस समय का नारा था कि माफ़ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। उस समय पूरे राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे ज़्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। मुख्यमंत्री बने कमलनाथ ने राज्य में 68 चुनावी सभा को संबोधित किया था, लेकिन सिंधिया ने करीब 110 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा 12 रोड शो भी किए थे। इससे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाने की मांग थी और आम मतदाताओं में उनका असर भी देखने को मिला। लेकिन इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच यहाँ दो परिवारों की आपसी जंग भी है, जिसका एक पूरा लंबा इतिहास है। साल 1993 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया में मुख्यमंत्री बनने की ओर लगी थी, जिसमें बाजी दिग्विजय सिंह के नाम रही और उस समय दिग्विजय की जीत को 202 साल पुरानी जंग के तौर पर देखा गया था। दरअसल सन 1816 में सिंधिया घराने के राजा दौलत राव सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के पुरखों की रियासत राघोगढ़ के राजा जय सिंह को एक युद्ध में हरा दिया था। राघोगढ़ को तब ग्वालियर राज्य के अधीन होना पड़ा था। इसका हिसाब दिग्विजय सिंह ने 1993 में माधव राव सिंधिया को मुख्यमंत्री पद की होड़ में परास्त करके बराबर कर दिया था। अब साल 2018 में चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर सिंधिया घराने की ताजपोशी को लेकर खबर चल रही थी। राज्य के अधिकांश लोगों का मत था कि अगर कांग्रेस चुनाव जीत गई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा, लेकिन एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने अपनी 200 से ज़्यादा साल पुरानी कसक निकालते हुए कमलनाथ को गद्दी पर बैठा दिया था। इतिहास की एक जीत का स्वाद और राजनीति की दो हार का कड़वा बदला अब सिंधिया ने चुका दिया। आजकल में एक बार फिर शिवराज सिंह एक बार फिर राज्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में आई इस हलचल के पीछे राज्यसभा की एक सीट भी है, जिसे दिग्विजय सिंह अपने लिए चाहते थे और ज्योतिरादित्य अपने लिए। अब भाजपा का ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से राज्यसभा से लेकर केंद्र में मंत्री पद दिए जाने की अटकलें तमाम सियासी पंडित लगा रहे हैं। आज जो कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मीर जाफर और जयचंद बता रहे हैं, शायद वो भूल गए कि यह एक किस्म से उनकी घर वापसी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावती तेवर ने उनकी दादी की तरह ही जो चाहती थी कि पूरा परिवार बीजेपी में रहे, जीवाजी राव सिंधिया और विजय राजे सिंधिया की 5 संतानों में माधव राव के बाद उनके पुत्र
ज्योतिरादित्य ही कांग्रेस में थे। कभी ग्वालियर पर राज करने वाली राजमाता ने 1957 में कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन 10 साल में ही उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया और 1967 में वह जनसंघ में चली गई। आज ज्योतिरादित्य की दो बुआ वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे पहले से ही बीजेपी में हैं। अब ज्योतिरादित्य ने इतिहास दोहरा दिया। यशोधरा राजे ने ज्योतिरादित्य के बीजेपी में आने पर उसकी घर वापसी बताया है, लेकिन यह घर वापसी नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के अंत का अध्याय लिखने वाला फैसला है। ये एक ऐसा फैसला है जो कभी उनकी दादी राजमाता ने लिया था।